शुभ प्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा तीसरी, पाठ चार। पाठ का नाम आर्य समाज के दो नियम। आइए इस पाठ के माध्यम से आर्य समाज के प्रथम एवं दूसरे नियम पर विचार करें। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले दो नियम ईश्वर के बारे में हैं। इन दो नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है, अर्थात ईश्वर भगवान, जिसे हम सामान्य रूप में जानते हैं, समझते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। भगवान कौन हैं, कैसे होते हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से गुण हैं, इन दो नियमों के माध्यम से आज हम इस पर विचार करेंगे। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वाला समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है, अर्थात सोर्स है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया। सृष्टि के आदि में अर्थात सृष्टि को बना देने के बाद ईश्वर जब मानव की रचना कर रहा था तो मानवों को एक ज्ञान दिया वेद के रूप में। वेद कितने हैं आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। आइए आगे देखते हैं। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। निराकार मतलब जिसका आकार ना हो, अर्थात रूप रंग शरीर वाला ना हो, ऐसा निराकार ईश्वर। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत्य, रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, अर्थात गुण से परे है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वह न्यायकारी है और दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ और न कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वह एक सा रहने वाला है। सृष्टि के, इस संसार के बनने से पहले भी था, बन रहा है, बना रहा है तब भी है और बनने के बाद भी रहेगा। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। वह सब जगह मौजूद है। जहाँ कहीं भी आप संसार में देखिए उसे, वहाँ पर वह दिखाई दे सकता है। अगर उसे आप देखना चाहें ध्यान के माध्यम से, वह हर एक जगह विद्यमान है, हर एक जगह समाया हुआ है। चींटी से लेकर के हाथी तक, सभी जानवरों में और फूल पौधों से लेकर के आसमान के अंतरिक्ष तक, हर एक जगह वह मौजूद है और सबके दिलों में भी रहता है, हर एक मनुष्य के अंदर भी रहता है। वह कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही कभी मरता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है और उसी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से आर्य समाज के प्रथम दो नियम, ईश्वर के गुण, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का व्यक्तित्व, ईश्वर का बनाया हुआ यह चराचर जगत, ईश्वर के गुण के द्वारा अपने आप को समर्पित करने की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, ऐसा इस दो नियमों में बताया गया है। आइए इसके अभ्यास पर नज़र डालें।
प्रश्न नंबर एक है, आर्य समाज के इन दो नियमों को याद करके गुरु जी को सुनाइए। तो इन दो नियमों को आपको अच्छे से याद करना है। और प्रश्न दो, परमात्मा के कोई 5 विशेषण बताइए। प्रश्न 3, ईश्वर के संबंध में कोई 5 वाक्य बनाओ। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखो। और प्रश्न 5 है, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रश्न और उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए याद करेंगे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।